तो ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको ये समझ नहीं आएगा तो फिर आप गॉस लॉ नहीं समझ पाओगे। वहाँ से हर साल सवाल आता है, तो ये इक्वली इंपॉर्टेंट एज इक्वलेंट टू गॉस लॉ। जो भी आप निकालो है ना, मैं ए भी लिख रहा हूँ, एल भी लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मान लो बाद में सर्कल आता है तो स्क्वायर आता है, तो वहाँ पर शायद हम लेंथ नहीं बोलेंगे। तो ये ऐसा यूनिट भी लिख दीजिएगा क्योंकि भाई इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाता है कभी कभी आपके नीट में। 2D प्लेन सरफेस में कैसे निकालना होता है, वो किसी भी 2D सरफेस के लिए आप इसी सेम बेसिस से निकाल सकते हो। तो ध्यान देना कि भाई थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर, इसको याद रखो। मतलब इस प्लेन में आपका ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर ऐसे निकल रही है, तो परपेंडिकुलर हो गया ना आपका। हे गाइस, हाय, कैसे हो मेरे नीट के खिलाड़ी हो। याद रखना हमेशा एक बहुत सिंपल सी बात, हम नीट के खिलाड़ी नीट खेल खेल में निकाल देंगे, है ना। और आज हमारा ऐसा ही एक अमेजिंग टॉपिक है जो हम खेल खेल में निकाल सकते हैं, और वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितना हार्ड लगता है एक्चुअली उतना हार्ड है नहीं, इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं और आज हमारा टॉपिक यही होने वाला है। तो मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि इसमें आज हम पढ़ेंगे क्या क्या और क्या क्या सवाल आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है सिर्फ दो चीज़ पर डिपेंड करती है। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके बारे में हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। मैं हमारे सारे क्लासेस का जो प्लेलिस्ट है वो आपको हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगा हमारे चैनल पर, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। गरज सीरीज़ हमारा 12th का चल रहा है, जो अभी चल रहा है, उसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक मिल जाएगा, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा जो इस पर डिपेंड करती है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो होता है आपका एरिया। अब एरिया जो हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, ये सब हम जानते हैं। अब हम ये भी जानते थे कि भाई एरिया जो एक स्केलर क्वांटिटी थी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अब जाकर हम ये चीज़ बदलेंगे और अब जाकर हम सीखेंगे कि आपका जो एरिया होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी नहीं, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आपका जो एरिया होगा एक वेक्टर क्वांटिटी, जो आज हम सबसे पहले सीखेंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन ओनली टू थिंग्स। एक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा आपका एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड अब डिटेल में समझ चुके हैं, एरिया अब तक हम सिर्फ ऊपर समझ रहे थे, अब हमें पूरा समझना है, तो वही हम सीखेंगे। तो दूसरा हमारा आज का टॉपिक क्या होगा, ऑफकोर्स ये बात इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आज हम कर लेंगे, हमारा सेकंड टॉपिक है आज का, मतलब पूरा टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। उसके बाद फिर आपके होंगे प्रॉब्लम्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड हैं, आपके क्लास 12 के एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में। और पिछले 20 साल में जितने भी बार आए होंगे कोई भी सवाल इलेक्ट्रिक फ्लक्स से डायरेक्ट, वो आज हम करने वाले हैं। और उसके बाद एंड में फिर आपका होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ 3D सरफेस। ये भी हम करेंगे आज हमारे आखिरी पार्ट में, जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन जो आपका गॉस लॉ आप सीखोगे इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है गॉस लॉ, और आपका टॉपिक आएगा आपके गॉसियन सरफेस का। तब वहाँ पर 3D सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसी वजह से हम 3D सरफेस से आज का टॉपिक एंड करेंगे। अब अगर आप मुझसे पूछोगे सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, तो मैं कहूँगा हाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इसमें से डायरेक्ट सवाल बहुत आते हैं? जवाब है नहीं। डायरेक्ट सवाल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूला से डायरेक्टली नहीं आते हैं, लेकिन ऑफकोर्स ये बात है कि इसका जो डिपेंडेंसी है वो गॉस लॉ में है। गॉस लॉ एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बातें होती हैं डिफरेंट तरीकों में। वहाँ से हर साल सवाल आता है, तो ये इक्वली इंपॉर्टेंट एज इक्वलेंट टू गॉस लॉ, ठीक है। तो जब हम गॉस लॉ पढ़ेंगे ये उसका बेस बनेगा। तो ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको ये समझ नहीं आएगा तो फिर आप गॉस लॉ नहीं समझ पाओगे। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि भाई आज का ये जो सेशन है वो आपको एक ही बार में आराम से समझ आ रही है, क्योंकि टॉपिक बहुत सिंपल है यार, बहुत ईजी, आप ऐसे ही कर लोगे, समझो आप ऐसे कर लोगे, ठीक है। चलो फिर शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। बस आपको मैं इतना याद दिला देता हूँ कि हर सेशन की तरह इस सेशन के नोट्स भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में मिल जाएंगे। नीट रिसोर्सेज करके लिखा होगा, वो लिंक होगा, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर आपको हमारे चैनल के सारे अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे, ठीक है। तो शेयर कर देना अभी के अभी। चलिए शुरुआत करते हैं और सीधा मुद्दे पर आते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक में कि भाई एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी कब से हो गया सर? ठीक है, अब कैसे हो जाता है, कैसे होता है, इसको थोड़ा सा हम ध्यान से समझते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल लेंगे, आप ऐसे कर लोगे जैसे मैंने कहा था। चलिए एक ग्राफ बनाते हैं, एक सिंपल सा ग्राफ, कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। तो ये रहा आपका वाई एक्सेस, ये रहा आपका जेड एक्सेस, ये रहा आपका एक्स एक्सेस, है ना। ये हो गई एक्स, ये हो गई वाई, ये हो गई जेड, ठीक है। तो मान लीजिए कि भाई इनमें से कोई भी एक प्लेन में, ये आपका एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, कोई भी एक प्लेन में हम एक क्या कहते हैं, एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। अब रेक्टेंगल बना देते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है, ये बना दिया हमने रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल को हमने नाम दे दिया, मान लीजिए ए बी सी डी रेक्टेंगल हमने नाम दे दिया। अब ये कौन से प्लेन में, ये आपके एक्स वाई प्लेन में ना, ये एक्स प्लेन में और वाई प्लेन में है, बराबर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या है, तो आप क्या कहोगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी क्या है, एरिया क्या है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर ए बी जो इसका लेंथ है ना, ए बी जो इसका लेंथ है उसको बी सी से मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ इन टू ब्रेथ होता है एरिया, तो आप कहोगे ए बी को मल्टीप्लाई कर दीजिए बी सी से, बात खत्म हो गई यहाँ पर, है ना, लेंथ इन टू ब्रेथ हो गया। अब बस बात इतनी है कि भाई ये जो ए बी है, ये जो बी सी है, हमने अभी कुछ दिनों पहले जब वेक्टर्स पढ़ा था, वेक्टर्स सीखा था, अगर आपको याद हो या ना हो, याद होना चाहिए, अगर आपने देखा हो सेशन, नहीं देखा तो प्लीज जरूर जाकर देखना। वेक्टर्स में भी हमने सीखा था कि भाई ए बी और बी सी क्या बता रही है, अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की पोजीशन वेक्टर बन जाती है, आपकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन जाती है, बी टू सी का आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन जाता है, पोजीशन वेक्टर बन जाता है। तो ये बेसिकली आपका ए बी और बी सी, अगेन इन जनरल सेंस यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे तो क्रॉस प्रोडक्ट हो रही है ना, आप देख रहे हो यहाँ पर ए बी और बी सी का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट हो रही है, तो यहाँ पर बेसिकली ये ए वेक्टर बन जाता है विद ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर बन जाता है, समझ रहे हो आप? ये ए बी वेक्टर एक बी सी वेक्टर बन जाता है। क्या वेक्टर है भाई? ये तो लेंथ वेक्टर है ना, ये आपका लेंथ वेक्टर है, ये क्रॉस ब्रेथ वेक्टर है, ये हो गया। तो आप देख सकते हो भाई ये तो क्रॉस प्रोडक्ट बन गया, और जब दो चीज़ों का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है तो फिर आपका जो फाइनल आंसर होता है वो तो हमेशा एक वेक्टर बनती है। क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट ऑल्सो, है ना। तो जब दो चीज़ों का क्रॉस हो जाता है तो वेक्टर प्रोडक्ट बन जाता है। सो ए वेक्टर बिकम्स अ वेक्टर, क्यों? क्योंकि यहां पर आपका L वेक्टर का क्रॉस हो रहा है ब्रेथ वेक्टर के साथ। सो क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स यू अ वेक्टर क्वांटिटी, क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना, बात समझ में आ गई आपको। अच्छा तो सर वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर इसमें साइन थीटा भी आएगा, है ना, क्योंकि a क्रॉस b इज ऑल्सो इक्वल टू ए बी साइन थीटा, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट निकाला जाता है आपका परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट निकालने के लिए, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर के बीच में क्या एंगल है, ये हो गया आपका थीटा। अब यहाँ पर थीटा है क्या, तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि आपका जो ए वेक्टर है सर दैट इज बेसिकली इक्वल टू लेंथ इन टू ब्रेथ साइन थीटा ना, ये कह रहे हो आप। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट यही होती है, एल बी साइन थीटा होती है। तो यहाँ पर साइन थीटा, थीटा क्या है, थीटा 90 डिग्री है यहाँ पर। सो ए वेक्टर क्या बन जाएगा, ए वेक्टर आपका बन जाएगा एल इंटू बी साइन 90 हो गया। सो योर आंसर इज नथिंग एल्स बट ए वेक्टर इज इक्वल टू एल इंटू बी, बिकॉज साइन 90 इज इक्वल टू 1, है ना, साइन 91 होता है, तो आपका फॉर्मूला बराबर बैठ जाता है यहाँ पर। बात समझ में आ गई। तो ये क्लियरली प्रूव कर देता है कि भाई साहब आपका जो एरिया है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हम बेसिकली वहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट ही निकाल रहे हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि सर डायरेक्शन कैसे निकलेगा। आपने तो बता दिया ये तो मैग्नीट्यूड है ना सर, ये तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। ये क्या दे रहा है आपको, ये एरिया वेक्टर जो आपका रेक्टेंगल का आपने निकाला हुआ है ये मैग्नीट्यूड दे रहा है। अब यहाँ पर डायरेक्शन कहाँ से आएगा, क्योंकि डायरेक्शन बिना तो बात नहीं बनती भाई। हमने यहाँ पर निकाल दिया ना परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट, क्या है भाई, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट का क्रॉस प्रोडक्ट साइन लगती है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पर जो भी आपका ए वेक्टर होगा, जो आपने ए एरिया का ए वेक्टर निकाला हुआ है, वो इस प्लेन सरफेस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। यानी कि एक्स वाई प्लेन में अगर मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाऊं तो किस डायरेक्शन में आएगा वो आपका, एक्स वाई प्लेन में आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका वो जेड एक्सिस में आएगा ना, या तो पॉजिटिव जेड एक्सिस में आएगा या तो फिर आपका नेगेटिव जेड एक्सिस में आएगा। दोनों इस प्लेन से परपेंडिकुलर होंगे। अगर आपका एक्स वाई प्लेन में आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो या तो आपका जेड एक्सिस में परपेंडिकुलर होगा प्लस जेड में, या तो माइनस जेड में होगा, ठीक है। तो उस प्लेन सरफेस का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट होगा आपका ए वेक्टर, ठीक है, बात खत्म हो गई। सो योर डायरेक्शन ऑफ दिस ए वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर will be perpendicular to the plane carrying AB vector or L vector and BC vector और B vector, जो भी आप निकाल रहे हो, है ना। मैं AB भी लिख रहा हूँ, एल भी लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मान लो बाद में सर्कल आता है तो स्क्वायर आता है, तो वहाँ पर शायद हम लेंथ नहीं बोलेंगे, वहाँ पर शायद हम सिर्फ साइड बोलेंगे, वहां पर हम ए बी नहीं शायद पी क्यू बोलेंगे। तो इससे यहाँ पर जो डिनोमिनेशन है वो बदल सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन बदल सकता है, लेकिन मुद्दा सेम रहेगा। आपको इसमें से याद क्या रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि भाई दो चीजें हैं, पहला मैग्नीट्यूड, आपका जो एरिया है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और उसका जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है जो अभी आप तक पढ़ते आप अब तक पढ़ते आ रहे हो वो सेम रहता है। रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ रहेगा, स्क्वायर का आपका लेंथ इंटू लेंथ ए स्क्वायर हो जाएगा, सर्कल का पाई आर स्क्वायर रहेगा, वो सब के सब सेम रहेगा। ठीक है, उसमें मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है क्योंकि हमेशा आपका जो एंगल है वो बन जाता है 90 डिग्री, बात खत्म हो जाती है ए वेक्टर और ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर में। अब बात आती है आपकी डायरेक्शन की। डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन सरफेस। तो आपका ये जो ए बी बना हुआ है ये एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन से परपेंडिकुलर क्या होती है? जेड एक्सिस होती है, पॉजिटिव जेड एक्सिस तो नेगेटिव जेड एक्सिस होती है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा सर तो पॉजिटिव जेड एक्सिस लेना है कि नेगेटिव जेड एक्सिस लेना है? तो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कैरिंग ए बी वेक्टर दैट इज पॉजिटिव जेड एक्सिस और नेगेटिव जेड एक्सिस। लेना कौन सा है? लेना कौन सा है? आप इनमें दोनों में से कोई भी ले सकते हो। ठीक है, फॉर अ 2D सरफेस, फॉर अ 2D सरफेस आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो। वी कैन टेक ईदर डायरेक्शन, फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, वी कैन टेक ईदर डायरेक्शन, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता कि आप कौन सा ले लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको यहाँ पर एक और एग्जाम्पल से समझाऊँ, ठीक है, मैं एक और ग्राफ बनाता हूँ। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये आपका बन गया आपका वाई एक्सिस बेटा, ये बन गया एक्स एक्सिस, ये बन गया आपका जेड एक्सिस। ठीक है, अब मैं जो स्क्वायर बना, मैं अभी यहाँ पर एक स्क्वायर बनाऊंगा और ये स्क्वायर जो है आपके एक्स वाई प्लेन पे नहीं होगा, मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ वाई जेड प्लेन पे। ठीक है, आप देखोगे मैंने स्क्वायर बना दिया है, इसका मैंने नाम दे दिया है ए बी सी डी, नाम दे दिया है। यहाँ पर जो साइड्स है वो ए है। ठीक है, ये अभी कौन से प्लेन में है? ये वाई जेड प्लेन में है। ठीक है, अब स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हम जानते हैं। स्क्वायर का फॉर्मूला आपका होता है, ए वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा आपका होगा a इंटू ए, सो a क्रॉस a हुआ है ना, a क्रॉस a हुआ, सो a वेक्टर a क्रॉस a क्या होता है a साइन थीटा है ना। यहाँ पे थीटा क्या है? एंगल बिटवीन a एंड a, एंगल बिटवीन a एंड a आपका थीटा होता है। सो a वेक्टर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और क्योंकि थीटा जो है 90 डिग्री है यहाँ पर अगेन, तो आपका a वेक्टर इज इक्वल टू a स्क्वायर, बात खत्म। यही आपका स्क्वायर का फॉर्मूला भी है एरिया का, तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा a वेक्टर का? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आप बताइए। अगर आपका सरफेस जो है yz प्लेन में है, अगर आपका सरफेस yz प्लेन में है तो a वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? क्लियर है ना, समझ पा रहे हो? आप आराम से बोल पाओगे कि भाई सर डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर तो फिर सर x एक्सिस में होना चाहिए क्योंकि आपका प्लेन yz है, आपका प्लेन yz प्लेन में है, यानी कि आपका जो प्लेन है वो किस डायरेक्शन में, वो ऐसे है। तो फिर आपका जो ये है yz प्लेन, ये y ऊपर जाता है, z सामने को आता है ना, तो ये हो गया आपका yz प्लेन। तो आपका जो x वेक्टर वो किस डायरेक्शन में, x वेक्टर आपका जो a वेक्टर का डायरेक्शन है वो आपके x एक्सिस के डायरेक्शन में है, या तो पॉजिटिव x या तो नेगेटिव x, उसी डायरेक्शन में है। तो आपका या तो पॉजिटिव x होगा या तो नेगेटिव x होगा आपके a वेक्टर का डायरेक्शन, बात खत्म हो गई। डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर इज पॉजिटिव x और नेगेटिव x। और जैसे मैंने कहा एक 2D सरफेस के लिए आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता है, दोनों बराबर सेम आंसर है। हाँ, अब टू अवॉइड कंफ्यूजन इन द क्वेश्चंस व्हिच मे कम, आपको जो भी सवाल दिए जाएंगे उसमें जरूरी नहीं कि आपको ये बोला जाए कि भाई ए वेक्टर का डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, ए वेक्टर का डायरेक्शन जेड एक्सिस है। ये बोलने के बदले वो शायद आपके लिए यूनिट वेक्टर के नाम से भी बता सकते हैं। अभी यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो आपको किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन देते हैं, है ना। और अगर आपको याद हो तो एक्स वाई जेड का यूनिट वेक्टर्स का नाम अलग अलग है ना। याद तो डेफिनेटली होगा आपको, होना भी चाहिए, फिर भी मैं लिख देता हूँ। एक्स एक्सिस के लिए हम उसे आई कैप बोलते हैं, पता है आपको। वाई एक्सिस के लिए जे कैप बोलते हैं और जेड एक्सिस के लिए के कैप बोलते हैं। तो या तो सवाल में बोला जाएगा कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, या तो मान लीजिए एरिया वेक्टर का वैल्यू दे दिया जाएगा, एरिया वेक्टर इज 20 मीटर स्क्वायर, 20 मीटर स्क्वायर आई कैप, ऐसे बोल 20 आई कैप मीटर स्क्वायर बोल दिया जाएगा। तो आपको समझ लेना है कि भाई 20 मतलब क्या होता है कि भाई 20 उसका मैग्नीट्यूड है और आई कैप का मतलब होता है कि वो एक्स एक्सिस में है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, बस इतना समझ लेना है हमें। अगर मान लीजिए जवाब दे दिया जाए कि भाई उसकी वैल्यू है एरिया वेक्टर की 40 जे कैप, बस 40 जे कैप मीटर स्क्वायर, तो आपको क्या समझना है, 40 उसकी मैग्नीट्यूड है, जे कैप उसका डायरेक्शन है, जे कैप मतलब क्या हुआ भाई वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, है ना। तो यहाँ पर भी या तो मैं प्लस एक्सिस एक्स बोलूँ या तो माइनस एक्स बोलूँ, या तो मैं इसको बोल सकता हूँ प्लस आई या माइनस आई कैप, जैसे बोलना है मेरे को। यहाँ पर भी मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ भाई प्लस के या माइनस के, है ना। तो यहाँ पर बोल सकता हूँ मैं प्लस के या तो माइनस के, मेरी मर्जी है। ठीक है, तो मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो वेक्टर का डायरेक्शन है वो या तो यूनिट वेक्टर के फॉर्मेट में या तो फिर एक नॉर्मल कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में आपको कैसे ही बताया जा सकता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। हाँ, अब बात आती है सर इतनी देर से तो कह रहे हो कि सर 2D सरफेस के लिए आप दोनों ले सकते हो, 2D सर्फेसेस कौन सी होती है, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, जो भी आपके ट्राइंगल्स हो गए, ये सारी के सारी चीजें 2D सर्फेसेस हैं जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती है। अब 3D सर्फेस होगा तो फिर वहां पर हमें डायरेक्शन कैसे निकालनी है, 3D सरफेस के लिए डायरेक्शन कैसे निकालनी होती है, ये मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से। बेटा 3D सरफेस में थोड़ा सा डिफरेंस है, और उसके अलावा थोड़ा सा एक और टर्मिनोलॉजी मैं आपको दे देता हूँ। जो भी आपके 2D सरफेसेस होते हैं ना, जो आपके 2D सरफेसेस होते हैं, 2D सरफेसेस को हम कहते हैं ओपन सरफेसेस। क्या कहते हैं? ओपन सरफेस, क्यों? खुला हुआ है, कोई भी जगह से क्लोज नहीं है, है ना। एक स्क्वायर मैंने बना दिया, स्क्वायर को मैं पीछे से भी प्रोजेक्ट कर सकता हूँ, सामने से प्रोजेक्ट कर सकता हूँ, मैं किसी भी डायरेक्शन प्रोजेक्ट कर सकता हूँ, तो वो स्क्वायर रहता है। सर्कल को भी मैं नीचे से और ऊपर से, तो ये ओपन सरफेस है। मैं कभी भी सर्कल को एक्सपैंड कर सकता हूँ, कभी भी स्क्वायर को एक्सपैंड कर सकता हूँ, ट्राइंगल्स को एक्सपैंड कर सकता हूँ, ये ओपन सर्फेसेस बन जाते हैं। लेकिन 3D ऐसा नहीं, 3D आपको पता है कि भाई ये एक 3D ऑब्जेक्ट है, इसके जो बाउंड्रीज है वो डिफाइंड है ना, ये इसके ऊपर इसके नीचे यहाँ वहाँ जा नहीं सकते, तो ये 3D सर्फेसेस को हम कहते हैं क्लोज्ड सर्फेसेस, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ओपन सर्फेस। तो आगे जाकर हो सकता है कि एनसीईआरटी में या तो किसी भी कोचिंग में या तो किसी भी किताब में आपको ओपन सरफेस दिखे या क्लोज सरफेस दिखे, रादर देन 2D सरफेस या रादर देन 3D सरफेस, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, तो इसलिए मैं आपको सारे टर्मिनोलॉजीज के साथ बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं समझने के लिए कि भाई तो 3D सरफेस में कैसे डायरेक्शन निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बनाएंगे, कोऑर्डिनेट से समझते हैं। तो 3D सरफेस में क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान से देखना, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, फिर इसमें भी कंफ्यूज हो जाएगा, फिर लोग बुरा मान जाएंगे, है ना बेटा। लोग बुरे नहीं मानने चाहिए, लोग बुरा मान जाएंगे तो फिर हम कैसे जिएंगे, है कि नहीं। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक बहुत ही सिंपल सा, क्या बना दे, क्यूब बना दे, क्यूब बना दे, चलो ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक YZ प्लेन से पैरेलल में एक क्यूब बना रहा हूँ, और 3D सरफेस ऑफकोर्स ये बात है, तीनों जगह पर पहुँचेगा, सिर्फ YZ में नहीं, है ना, ठीक है। बस सारे तार जोड़ दिए मैंने, बराबर 3D लग रहा है, ठीक है, परफेक्ट है, 3D प्लेन बना दिया। अब एक 3D ये जो क्या बना हुआ है, क्यूबॉइड बना हुआ है। अब मैं क्यूबॉइड के बदले क्यूब भी बना सकता, फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब क्यूबॉइड में कितने सर्फेसेस होते हैं, क्यूबॉइड में होते हैं आपके 6 सर्फेस, 1 2 3 4, मतलब एक ऊपर, एक दाएं, एक नीचे, एक बाएं और एक पीछे और एक आगे, 6 सर्फेस होते हैं, 6 सर्फेसेस होते हैं, ठीक है। एक 3D सरफेस में जब आपको A वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है तो हमेशा वो आउटवर्ड होना चाहिए, ठीक है। A वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, इसको अपने दिमाग में स्टोर कर लो। एक 3D सरफेस में 3D सरफेस का जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो हमेशा सरफेस से बाहर की तरफ का डायरेक्शन होगा, कभी भी अंदर की तरफ नहीं होगा, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, अगर मान लीजिए मैं उस ऊपर वाले सरफेस का एरिया वेक्टर निकाल रहा हूँ, तो 2D सरफेस में क्या होता, 2D सरफेस में इस ऊपर वाले सरफेस के लिए मैं नीचे भी जा सकता था, ऊपर भी जा सकता था, है ना। मैं y एक्सिस ऊपर भी j पॉजिटिव j नेगेटिव जा सकता था, यहाँ पर मैं वो भी नहीं कर सकता क्योंकि ये 3D सरफेस है। तो 3D सरफेस के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ ही जा सकता हूँ, आउटवर्ड टू द प्लेन, ठीक है, आउटवर्ड टू द सरफेस, कभी भी मैं इनवर्ड नहीं जा सकता, ठीक है। और वैसे अगर मैं ये दाएं वाले सरफेस की तरफ मैं करूंगा तो ये वाला सरफेस, तो ये वाला सरफेस मतलब बाहर की तरफ, इस तरफ में आ गया आपका A वेक्टर, ठीक है। मैं कभी भी अंदर की तरफ नहीं जा सकता। अगर मैं इस तरफ पीछे वाले की तरफ करूंगा तो पीछे वाले की तरफ, तो वो A वेक्टर इस तरफ जाएगा। अगर मैं नीचे वाले सरफेस के लिए करूंगा तो नीचे से A वेक्टर नीचे की तरफ जाएगा, कभी भी अंदर की तरफ आपका A वेक्टर का डायरेक्शन नहीं होगा 3D सरफेस के लिए, बस दैट्स द ओनली डिफरेंस, ठीक है। तो 2D सरफेस जो आपका ओपन सरफेस था, ओपन सरफेस में आपका A वेक्टर का डायरेक्शन वो पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन दोनों में हो सकता है, लेकिन आपका जो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन 3D डायरेक्शन में, 3D सरफेस में, 3D ऑब्जेक्ट्स में आपको उसे सिर्फ और सिर्फ आउटवर्ड डायरेक्शन लेना होगा, ठीक है। तो आपका 3D सरफेस क्या होता है भाई, क्लोज सरफेस भी कहते हैं उसको, ठीक है। एंड द पॉइंट टू नोट हियर इज A वेक्टर is always taken outward to the surface, outward to the surface, never inward, ठीक है, never inward, हमेशा towards outward the surface, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। तो बस अभी हमने एरिया वेक्टर प्रूव कर लिया है, अब हमने कर लिया भाई जो करना था हमें, अब सीधा हमें जाना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मामले में, ठीक है। चलो क्लियर हो गया बेटा। तो अच्छी लग रही है टॉपिक तो भाई कीप हिटिंग द लाइक बटन, पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करना, बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ आपको, ताकि आपको जब हम प्रॉब्लम्स करें आपके अंदर कॉन्फिडेंस अलग तरीके से बढ़ जाए, नीट में हम ऐसे फोड़ देंगे, मजा आ जाए, ठीक है। चलो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, सिंपल भाषा में तो उसके ऊपर ही मैंने डेफिनेशन लिख दिया, इतना ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एन एरिया, सर बस, हाँ भाई अब इसको मैं और डिफिकल्ट कैसे बनाऊँ, अब है तो इतना ही, क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, एरिया हो गया, थैंक्स। इतना ही है गाइस, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, थोड़ी मजाक उड़ा रहा हूँ आपका, क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। मान लीजिए ये आपका एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, इस प्लेन सरफेस में से बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड पास होके जा रहे हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे पास होके जा रही है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये क्या है, ये एक एरिया है। तो एक एरिया से, एक प्लेन सरफेस से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड पास होके जा रही है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड उस एरिया से पास हो रही है उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, बस, ठीक है। अब ऑफकोर्स ये बात है, थोड़े फिजिक्स के चोचले जरूर होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है, परपेंडिकुलर जा रही है, पैरेलल जा रही है, टेढ़ा मोड़ा जा रही है, कैसे, वो बोलना पड़ेगा, है ना, उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, वरना फिजिक्स बुरा मान जाएगी, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैंने कैसे बनाया हुआ है, इस सरफेस से परपेंडिकुलर बनाया हुआ है ना, बस इतनी ही बात है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू द सरफेस परपेंडिकुलर टू इट। मैं लिख दूं यहाँ पर, समझ में आ रहा है आपको क्या कहा मैंने, दोबारा कह देता हूँ, मैं लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा भी आपको लिखना आप लिख दीजिए, इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस और परपेंडिकुलर टू एन एरिया, जैसे आपको बोलना है, जैसे आपको बोलना है आप बोल दीजिए, प्लेन सरफेस बोलिए, एरिया बोलिए, जिस तरीके से आपको ईजी बनाना है आप ईजी बनाइए, भाई आपके नोट्स है ना, आपके नोट्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देता हूँ यहाँ पे, और ईजी हो जाएगा आपके लिए, है ना, पासिंग थ्रू दी प्लेन सरफेस, बस, ठीक है। आपको प्लेन सरफेस के बदले एरिया लिखना है आप लिखिए, बिल्कुल लिखिए, कोई इशू नहीं है, दैट्स ऑल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब मैं अगर आपसे थोड़ा सा कॉमन सेंस तरीके से पूछूं, कॉमन सेंस तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं यहीं पर कि भाई ये जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसको डिनोट कैसे करते हैं, मैं बता देता हूं आपको, वो कॉमन सेंस नहीं, उसके बाद वाला सवाल कॉमन सेंस है। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है, एक गोल बनाया और उसमें डंडा खींच दिया ऐसे डायगोनल, इस सिंबल को हम कहते हैं फाई, क्या कहते हैं हम, फाई, PHI फाई कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाई, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल। अब बस ऑफकोर्स है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, बाद में जाके आप मैग्नेटिक फ्लक्स भी सीखोगे तो फिर वहां पर कुछ दोनों में फाई लगाएं तो अच्छा थोड़ी लगेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम ये फाई के नीचे ई लगा देते हैं, जस्ट टू इंडिकेट कि भाई ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल है, मैग्नेटिक फ्लक्स का नहीं, ठीक है, क्योंकि फ्लक्स हमेशा फाई होती है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं अभी कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे रिलेटेड है, तो आप क्या कहोगे, आपका डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। ओए होए होए, अच्छा, तो अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं बढ़ा दूं तो यहां पर फ्लक्स बढ़ेगी कम हो जाएगी, ऑफ कोर्स सर कॉमन सेंस से कैसे गंदे सवाल पूछ रहे हो आप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, जितना ज्यादा, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर वेक्टर कैसे बनाते हैं मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी, याद रखना, इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भूल मत जाना, मैं भी गलती कर सकता हूँ, आप मत गलती मत करना, ठीक है। तो हाँ भाई, क्या भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दूंगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ जाएगी, ऑफ कोर्स सी बात है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दोगे तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ जाएगी। व्हाट अबाउट एरिया, अगर मैं एरिया को छोटा कर दूं या एरिया को बड़ा कर दूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ेगी या कम होगी, क्या करोगी, जल्दी बताओ। ऑफ कोर्स सी बात है सर, अगर मैं इस डब्बे को छोटा कर दूं, अगर इसमें डब्बे को मैं छोटा कर दूं तो फिर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से निकल जाएगी ना, सिर्फ उसके अंदर सिर्फ एक या दो ही जाएगी, यहाँ पर पहले 3-4 जा रही थी, यहाँ पर से 2 ही जाएगी, छोटा कर दूंगा तो एरिया को जब मैं छोटा कर देता हूँ तो फिर क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम हो जाती है। एरिया को बड़ा कर दूंगा तो फिर ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसके अंदर आ जाएगी, तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ जाएगी। तो दिस अगेन क्लियरली इंडिकेट्स, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, दिस अगेन क्लियरली इंडिकेट्स कि आपका जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, it's also directly proportional to the area. It's also directly proportional to the area of the field. ठीक है, एक सेकंड, मैंने आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी बोल दिया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ सॉरी मैंने आपको ये बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी, सॉरी भाई मेरी गलती, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, भूल मत जाना, अभिषेक सर कंफ्यूज करते रहते हैं, आप मत भूल जाना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी ओनली, इट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। कब से मैं ई वेक्टर लगाते बढ़ रहा हूँ, देख नहीं रहे बेशर्म। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी ओनली गाइस, डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट इट। तो अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा कि भाई आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रिक एरिया से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या बात है, मजा आ गया देखकर। फिर है ना। तो फिर क्या करना है, हमें इनका संगम करना है। जब इनको संगम करेंगे हम तो इसका फॉर्मूला सामने आ जाएगा, वो इसका इसी का तो वेट कर रहे थे हम। तो हमारे 5e का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हमारे 5e का फॉर्मूला बन जाएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बात खत्म हो गया। क्या हो गया फॉर्मूला, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। और ये क्या है भाई, ये तो डॉट प्रोडक्ट है। ये क्या बन गया आपका, ये है आपका डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वो स्केलर होता है। डॉट प्रोडक्ट का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो स्केलर होता है। तो इसी वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। डॉट प्रोडक्ट के बाद हमेशा आपको एक स्केलर प्रोडक्ट मिलता है, इसी वजह से डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। कि दो चीज, दो वेक्टर्स को आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो उसकी जो फाइनल आंसर होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो 5e बन जाता है आपका स्केलर क्वांटिटी। अब मुद्दा आता है कि सर यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट मतलब सर ये तो फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5e इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल ही होता है कॉस थीटा निकालने के लिए, डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है और उस क्या कहते हैं पैरेलल कॉम्पोनेंट निकालने के लिए। और पैरेलल कॉम्पोनेंट होती है ई ए कॉस थीटा। कॉस थीटा हो जाती है आपकी, थीटा इज द एंगल बिटवीन द ई वेक्टर एंड द ए वेक्टर, है ना। थीटा जैसे ए वेक्टर क्या है यहाँ पर, ए वेक्टर आपके एरिया वेक्टर निकाल देते हैं अभी यहाँ पर। अगर आप कंफ्यूजन है तो देखो यहाँ पर ध्यान से, ये प्लेन सरफेस है तो प्लेन सरफेस का परपेंडिकुलर होता है ए वेक्टर। तो ये हो गया आपका ए वेक्टर का डायरेक्शन, ये हो गया आपका ए वेक्टर। अब ई वेक्टर ऐसे जा रहा है, ये हो गया आपका ई वेक्टर। तो ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का जो एंगल है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे हमारा थीटा। इसको हम क्या कहेंगे, थीटा। यहाँ पर आपको ऐसी बात है, थीटा आपको दिख रही होगी सर यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है। हाँ बिल्कुल है भाई, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है यहाँ पर। तो इसी वजह से cos 0 1 हो जाएगा तो आपका 5 बन जाएगा ई ए। बात खत्म। तो ये है आपका फाइनल फॉर्मूला फॉर योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप इन दोनों को नोट डाउन कर सकते हो। फाइनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये ई ए कॉस थीटा, ठीक है, ई ए कॉस थीटा। यहां पर जैसे हमने सीखा थीटा इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा 5e बिकम्स ई ए, खत्म। 5 इज इक्वल टू ई ए, ठीक है। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर, यानी कि मान लीजिए आपसे सवाल मैं यहां पर देख लेता हूं। मान लीजिए कि मैंने सरफेस को ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, मैंने सरफेस को ऐसे रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ठीक है, ये आपका ई वेक्टर हुआ। और एरिया कैसे होगा, एरिया इस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि बाहर की तरफ आएगा ऐसे, है ना। ये हो गया आपका ए वेक्टर। तो यहाँ पर फिर इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री का हुआ, 90 डिग्री एंगल हो गया। तो जब आपका ए वेक्टर ई वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगा तो क्या वैल्यू क्या आएगी बेटा, 5e आपका क्या बन जाएगा, बन जाएगा 0 बिकॉज कॉस 90 इज 0 बराबर, ठीक है। उसके बीच में जो भी वैल्यू होगी इट विल बी फ्रॉम द टेबल जो आपने 10th 11th में सब सीखी होगी। कॉस की, कॉस 0 क्या होता है, कॉस 30 क्या होता है, 45 क्या होता है, 60 क्या होता है, 90 क्या होता है, उसको सीख लो क्योंकि उसके ऊपर बहुत सवाल आते हैं, ठीक है बेटा। तो ये क्लियर हो गया। अब एक और काम मैं आपको दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। आप मुझे बताना यहाँ पर देखकर कि इस फॉर्मूला से एसआई यूनिट बताइए आपके 5e का, ठीक है, आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट बताइए यहाँ पर, जल्दी से बताइए। इस फॉर्मूला से निकालिए ई ए। देखते कितने बच्चों को याद है कि भाई ई का एसआई यूनिट क्या था। ए का तो यूनिट सब जानते हैं मीटर स्क्वायर होता है। ई का एसआई यूनिट क्या था, ई क्या था, ई था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नहीं ई था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। दोबारा कंफ्यूज कर रहे हैं अभिषेक सर। तो ई था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। अगर आपको याद हो ना, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है न्यूटन और आपका चार्ज का होता है न्यूटन पर कूलम, है ना। तो यहाँ पर आपका ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई का एसआई यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम और ए का होता है मीटर स्क्वायर। तो आपका एसआई यूनिट ऑफ योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिकम्स न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो ये एसआई यूनिट भी लिख लीजिएगा क्योंकि भाई इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाता है कभी कभी आपके नीट में, जेई में, ठीक है। नोट डाउन कर लिया सबने, परफेक्ट है, कुछ भूल तो नहीं किया मैं, छूट तो नहीं रहा, सब क्लियर हो गया। कि दोबारा रिपीट कर देता हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द अमाउंट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग परपेंडिकुलर टू अ प्लेन सरफेस, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जितने इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया के थ्रू परपेंडिकुलर पास हो रहे हैं वो हो जाता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिनोशन होता है 5e से थ्रू, 5e लिखते हैं। 5 सिंबल है, 5 मत बोलना, 5 हो जाते हैं ना, 5 बोलना, 5 phi। तो कुछ बच्चे फी भी बोलते हैं, कुछ बच्चे फी फू बोलते हैं, तो गेट द आइडिया, ठीक है। अब हमें समझ में आ गया कि भाई आपको जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों को कंबाइन कर ले तो डॉट प्रोडक्ट बन जाता है और दो डॉट प्रोडक्ट का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो आपको जो 5e है वो स्केलर क्वांटिटी बन जाता है। अब ये डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट का जो फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू होता है वो कैसे निकालते हो आप, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज एक्चुअली इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, है ना, ई ए कॉस थीटा। जहां पर थीटा इज द एंगल बिटवीन द ई वेक्टर एंड द ए वेक्टर, है ना, और यहाँ पर 5e हो गया। ठीक है, अब थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल 90 डिग्री तो क्या होगा, थीटा 0 हो गया तो cos 0 इज एक्चुअली 1, सो EA बन जाएगा। अगर थीटा 90 डिग्री बन गया तो cos 90 इज एक्चुअली 0, तो EA 0 हो जाएगा। तो अगर परपेंडिकुलर हुए आपके एरिया वेक्टर और यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो फिर आपका जवाब गलत, आपका जवाब 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, इसी फॉर्मूला से हमने 5 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट भी निकाल दिया, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर एक सिंपल सा सवाल मैं पूछ लेता हूँ, सिंपल सवाल नहीं, एक कॉन्सेप्ट और आपको समझा देता हूँ ताकि बस वो ना छूटे, बाकी सब कर लेना, सिर्फ वो नहीं छूटना चाहिए, तो पूरा ध्यान यहाँ पर देंगे आप। तो मान लीजिए कि आपके सामने ये प्लेन सरफेस है, ठीक है, ये प्लेन सरफेस है, और इस प्लेन सरफेस को थोड़ा सा डिफरेंट बनाना था, इससे थोड़ा डिफरेंट बनाना था, है ना। पहले आजा, ठीक है, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं थीटा इक्वल 90 डिग्री वाला ऑप्शन। ठीक है, हाँ, थीटा इज इक्वल टू एनी वैल्यू, थीटा इक्वल थीटा ही रखता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, थीटा कुछ भी हो सकता है, 60 30 45 कुछ भी हो सकता है ना। तो बेसिकली मान लो कि आपका अगर एरिया ऐसे रखा हुआ है, थोड़ा सा डायगनल है, और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड तब भी ऐसे ही जा रही है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, इसका एरिया वेक्टर आपके मान लीजिए इसके परपेंडिकुलर होगा, ऐसा ना, प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर एंगल कितना हुआ, यहाँ पर आपका एंगल हुआ, यहाँ पर आपका एंगल हुआ थीटा, ठीक है, ई वेक्टर का ए वेक्टर का एंगल हुआ थीटा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब हम निकालेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वजह से होगा, क्या वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा? जवाब उसका है नहीं सर, पूरे तरीके से इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके डेफिनेशन में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। तो यहाँ पर ये जो ई वेक्टर है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो परपेंडिकुलर नहीं जा रही है सरफेस, ये डायगनल जा रही है एट एन एंगल थीटा। ठीक है, ये डायगनल जा रही है एट एन एंगल थीटा। तो ऑफकोर्स ये बात है, इस ई वेक्टर के दो कॉम्पोनेंट्स आ जाएंगे, है ना, दो कॉम्पोनेंट्स आ जाएंगे, एक होगा इसका परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट, ठीक है, जिसको हम कहेंगे ई साइन थीटा, और दूसरा होगा आपका पैरेलल कॉम्पोनेंट जो होगा आपका ई कॉस थीटा, है ना, जो पैरेलल कॉम्पोनेंट होगा ई कॉस थीटा होगा, परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ई साइन थीटा होगा। अब ऑफ कोर्स ये बात है, अगेन परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट जो आपका ई वेक्टर का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट है वो इस प्लेन सरफेस से होते हुए जा रहा है, वो इस प्लेन सरफेस से होते हुए जा रहा है, उस पर ऐसे बहते हुए जा रहा है। तो ये कॉम्पोनेंट तो यहाँ पर है नहीं, ये इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मेरे सरफेस से परपेंडिकुलर जाना चाहिए तभी मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंट करूंगा, होते हुए जाऊंगा तो काउंट नहीं करूंगा। मतलब आपका ये प्लेन सरफेस से आपका परपेंडिकुलर जाना चाहिए तभी मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को काउंट करूंगा, प्लेन पेपर से होते हुए नहीं जाना। जैसे यहाँ पर देखो होते हुए जा रहा है ना, प्लेन पेपर से ऐसे होते हुए जा रहा है, फर्क नहीं पड़ता, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री होगी ना। तो यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ ई कॉस थीटा वाला एलिमेंट है जो ए वेक्टर के साथ अलाइंड है, उसके साथ थीटा इक्वल टू 0 बना रहा है, तो इसलिए हम सिर्फ ई कॉस थीटा कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 5e की वैल्यू हो जाएगी अगेन ई ए कॉस थीटा, स्टिल वर्क्स। तो अगर आपका प्लेन सरफेस किसी भी एंगल पर हो, वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस वाला क्या कहते हैं एंगल लेना है, कॉस वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेना है, थीटा का वैल्यू वहां पर सवाल में दी गई डाल देना है। ठीक है, तो हो गया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एन एरिया भी हो गया। अब देखो इससे कुछ सवाल बहुत प्यारे प्यारे करते हैं, देखते हैं कितना मजा आता है। उसके बाद फिर हमारा आखिरी टॉपिक है आज का, जो मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू 3D सरफेस, वो भी आराम से कर लेंगे। 2D सरफेस समझ में आ गया ना आपको, मैं कोई भी 2D सरफेस दे दूं आप आराम से कर लोगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 2D सरफेस दे देता हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि भाई कैसे करना है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक्स वाई जेड एक्सिस है, प्लेन आपका मान लीजिए एक प्लेन में रख दिया हुआ है, एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में मैंने रख दिया है, और आपके इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भाई एक्स वाई प्लेन में है अगर आपका सरफेस, तो जेड एक्सिस में आपका एरिया वेक्टर होगा, और ये आपका ई वेक्टर ऐसे जा रहा है, एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो ए वेक्टर और ई वेक्टर तो परपेंडिकुलर हो गए, और यानी कि थीटा 90 हो गया। सिंस थीटा 90 है तो आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगी, परफेक्ट है ना, आराम से कर पा रहे हो आप। ठीक है, आप दोबारा मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक और सरफेस ले लिया है, ठीक है, और आपका प्लेन इस ऐसे है वाई जेड प्लेन में, किसमें है, वाई जेड प्लेन में, ठीक है। अब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड दोबारा ऐसे ही जा रही है एक्स के डायरेक्शन में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, यहाँ पर आप आराम से लिखोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू कितना, ई ए। क्यों? क्योंकि आपका थीटा यहाँ पर 90 डिग्री बन गया, हैं, डेटा 90 डिग्री बन गया। तो सेम जैसे हम अभी हमने सीखा कि भाई 2D प्लेन सरफेस में कैसे निकालना होता है, वो किसी भी 2D सरफेस के लिए आप इसी सेम बेसिस से निकाल सकते हो। इट ओनली एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन योर थीटा एंड योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड योर एरिया। ठीक है, बस यहाँ पर मैं ऐसे नोट भी लिख देता हूँ कि थीटा क्या है ना, ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो, कभी भी कंफ्यूज ना हो। थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। ठीक है, मैंने वैसे डायग्राम में बना दिया है, जब आप नोट्स डाउनलोड करोगे फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है बेटा, परफेक्ट है। चलो अब सवाल करते हैं। ये आपके क्लास 12 के एनसीईआरटी का ही सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है। इसको आप ऐसे ही क्या कहते हैं आराम से कर लोगे। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस कि आप ऐसे ही इसको फोड़ दोगे, इसको ऐसा लगता है मेरे को ना। चलो यहाँ पर ना ब्लू कलर का एक अच्छा शेड उठाते हैं यार, थोड़ा सा और अच्छा शेड, नहीं डार्क हो गया थोड़ा, हाँ ये सही, सही शेड नहीं मिल रहा था मेरे ब्लू का। चलो पहला सवाल क्या है, कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 3 × 10³ आई कैप। दिख रहा है आपको उस आई कैप को इग्नोर मत करना, सर ऐसे कुछ लिख दिया वहां पे समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, नहीं इसको लेना है। आई कैप न्यूटन पर कूलम, देखो आपको E कितने आराम से दिया हुआ है, प्यार से दिया हुआ है। देखो आपको E वेक्टर आपको दिया हुआ है 3 × 10³ आई कैप न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है ना, इतने प्यार से दिया हुआ है देखो। और ये सही कलर है ब्लू वाला, ये सही कलर है ना, सही है ना। पहला क्या निकालना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वाई-जेड प्लेन। यानी कि अगर मैं यहां पर एक एक्सिस बना देता हूं, ठीक है, सब सारे के लिए इस सवाल को समझने में, बाकी तो बहुत आसान है आपका। देखो ये जो स्क्वायर है, यहाँ पर क्या लिया हुआ है, यहाँ पर एक स्क्वायर लिया हुआ है, ये स्क्वायर वाई-जेड प्लेन में है। ठीक है, वाई-जेड प्लेन मतलब ये वाला प्लेन में है। तो यहाँ पर हमने एक स्क्वायर ले लिया और स्क्वायर की साइड बताई जा रही है 10 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर है ना, सब जगह सेम होगा। ठीक है, हमने स्क्वायर बना लिया यहाँ पे, परफेक्ट दिख रहा है आपको बराबर। ठीक है, और यहाँ पर हमें ये समझना है कि भाई 3 × 10³ आई कैप दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो आई कैप का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा है। फिर ऑफकोर्स ये बात है भाई, एक्स के डायरेक्शन में, आई कैप मतलब एक्स के डायरेक्शन में है ना। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जा रहा है इस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बढ़िया है। यहाँ पर फिर एरिया वेक्टर और आपका जो आपका, अगर मैं यहाँ पर एरिया वेक्टर ही बना देता हूँ, यहाँ पर अगर मैं एरिया वेक्टर ही बना दूँ, तो इस प्लेन सरफेस का एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। क्यों, क्योंकि भाई उसका परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर में होता है आपका एरिया वेक्टर। तो मैंने बना दिया यहाँ पर ए वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जीरो वाला तो कोई केस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया बोथ हैव द एंगल बिटवीन देम एज 0 डिग्री। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपका EA बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, थीटा यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगी ना। तो थीटा बिकम्स इक्वल टू 0 डिग्री एज E एंड A वेक्टर आर पैरेलल। बात खत्म, अब तो सब आराम से सॉल्व हो जाएगा। हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वाई-जेड प्लेन, व्हाट इज द फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स निकाल देते हैं। तो यहाँ पर बस एक छोटी सी बात आपको और करनी है, और जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकली आपको देखना है कि आपका जो स्क्वायर का लेंथ है आपको 10 सेंटीमीटर में दिया गया है, आपको उसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर में कन्वर्ट नहीं करोगे तो फिर बैंड बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो मेरे मतलब 0.1 मीटर है ना। बस ये गलती मत कर देना, छोटी मोटी गलती, फॉर्मूला सब लगा दिया, बस ये छोटी गलती कर दी। तो भाई मेरा 5E का फॉर्मूला क्या होगा, मेरा 5E का फॉर्मूला होता है EA cos थीटा। ठीक है, 5E तो E क्या है मेरा भाई, E तो E रहेगा जो वैल्यू मेरे को दी गई है। ए क्या है मेरा, स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। ठीक है, कॉस थीटा, थीटा क्या है भाई, कॉस 0 है। ठीक है, मैंने सब यहाँ पे लिख दिया। सो 5E बिकम्स इक्वल टू व्हाट, ई की वैल्यू कितनी है, 3 × 10³ है ना। ठीक है, ए क्या है मेरा 0.1 का होल स्क्वायर, कॉस 0 इज 1, बात खत्म, × 1 कर दिया मैंने। अब वैल्यू डाल दीजिए, तो 5E कितनी हो गई, 3 × 10³ 0.1 का होल स्क्वायर, तो 0.1 × 0.1 0.001। ठीक है, 0.001, बात खत्म। ठीक है, मल्टीप्लाई विद 3 करोगे या तो फिर इसका 0 दे दोगे तो 2 तो 30 बच जाता है, तो 5E बन जाती कितनी, 30, और यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बस, बहुत इजी सवाल, लड्डू लगा, लगना चाहिए। अब देखो अगला सवाल इससे भी लड्डू है, बी पार्ट क्या, देखो ये ए पार्ट था आपका, ये ए पार्ट था, अब बी पार्ट क्या देखो। ठीक है, ध्यान से देखो सब लोग, बी पार्ट क्या है, बी पार्ट कहता है What is the flux through the same square if the normal to its plane makes a 60 degree angle with the x-axis? यानी कि अगर मैं इस स्क्वायर को थोड़ा सा अगर मैं इंक्लाइन कर दूं, अगर मैं डायग्राम दोबारा बनाऊं, ठीक है, मैंने क्या किया, x y z। और अब हमारा जो वाई जेड प्लेन पे जो आपका ये बनाया हुआ है हमने, इसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया ऐसे, ठीक है। और ऐसे इंक्लाइन किया कि इसका जो a वेक्टर है, a वेक्टर है वो आपके x एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना? 60 डिग्री का एंगल। और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही जा रहा है ना, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही जा रहा है, e वेक्टर। तो फिर आपके क्या कहते हैं, x एक्सिस के डायरेक्शन में ही है, तो बेसिकली आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और आपके एरिया वेक्टर के बीच में 60 डिग्री का एंगल बन जाता है, 60 डिग्री का एंगल। तो बस सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस थीटा यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा, थीटा बिकम्स इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल का ध्यान देना, कभी भी एंगल बोल देते हैं कि भाई वो ई वेक्टर का, तो आपको ध्यान देना है कि भाई थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर, इसको याद रखना, ठीक है। कोई और एंगल दे देंगे उसको उठाकर थीटा मत लिख देना, एंगल किसके बीच में होता है वो याद रखना है। तो यहाँ पर फाइव ई क्या हो जाएगी आपकी, सेम फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा, ठीक है, सेम चीजें होंगी। सो फाइव ई, यहाँ पर जब ई ए था तो वैल्यू कितनी है आपकी 30 आई है ना, तो क्योंकि ई ए स्क्वायर आपको सेम देगा 30 देगा, बस 30 इंटू कॉस, कॉस की वैल्यू कितनी है यहाँ पर थीटा के बदले 60 डिग्री। सो 30 इंटू कॉस 60 1/2 होती है। सो फाइव ई बिकम्स इक्वल टू 15 न्यूटन कूलम स्क्वायर पर, सॉरी मीटर स्क्वायर पर कूलम। इजी, ये भी इजी, चलो ठीक है। तीसरा पार्ट देखोगे भाई, 1.14 आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन हो गया। उसी तरह 1.15 इज डिपेंडेंट अपॉन 1.14। क्या पूछा है यहाँ पर देखो, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.14 थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। ई का हुआ जिंदगी में, ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.14 अगर यहां पर एक प्लेन सरफेस के बदले, स्क्वायर के बदले क्यूब होता ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। अगर मैं स्क्वायर के बदले क्यूब कर दूं तो जैसे मैंने आपको बताया था, हमारा जो एक टॉपिक है वो आपका आज का होने वाला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 3D सरफेस, वो अभी हम पहुंचे नहीं है। तो जैसे हम उस 3D सरफेस का पार्ट कर लेंगे, उसमें उसको करने के लिए मैं यही एग्जाम्पल लेने वाला हूं, तो वहां पर आप ऑटोमेटिकली समझोगे इसका जवाब क्या होने वाला है। तो एक 3D सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं वो समझने के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए, वो 1.15 वाला आपका सवाल का जवाब आ जाएगा। बट उससे पहले हम कुछ और सवाल कर लेते हैं जो 2D सरफेसेस, जो आम आदमियों से रिलेटेड है ना। 3D सरफेस तो हाईफाई हो गया, आम आदमियों से रिलेटेड चीजें कर लेते हैं पहले, जैसे कि हम लोग है ना। तो देख लेते क्या सवाल है। ये देखो, ये सारे के सारे आपके CBSE 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के सवाल हैं, और साथ ही साथ आपके ऑल इंडिया PMT के सवाल है, यानी कि जो पहले आपकी प्री मेडिकल टेस्ट होती थी है ना, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट जो अभी नीट बन गई है, तो पहले हम AIPMT बोलते थे, तो AIPMT के सवाल भी है, नीट के सवाल भी है। तो चलो साथ में करते हैं, देखते हैं क्या जवाब आता है, ठीक है बेटा, साथ में करते हैं। आ जाओ, तो क्या दिख रहा है यहाँ पर, अ प्लेन एरिया ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 100 न्यूटन पर कूलम सच दैट द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड 60 डिग्री। सेम भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेसेस, समझ रहे हो आप, आराम से कर लोगे मेरे साथ है ना, कर लोगे मेरे साथ। चलो आप या तो वीडियो पॉज करने की कोशिश करो, तो मेरे साथ करो, अगर लाइव देख रहे हो तो मेरे साथ करो, ठीक है। हाँ, तो क्या जवाब आएगा, सबसे पहले देखो हम दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, उस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है ना। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 100 × 10⁻⁴ मीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एरिया इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब होता है 100 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका भी अगर मैं दे दूँ तो 10⁻² मीटर स्क्वायर होता है, 100 का अगर मैं 2 0 दे दूँ 10⁻² मीटर स्क्वायर होगी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर दी हुई है आपकी 100 न्यूटन पर कूलम, बराबर, परफेक्ट, नोटेड, ठीक है। और थीटा 60 डिग्री दी हुई है, वही दिया ना इसकी एंगल बिटवीन। तो आपका प्लेन सरफेस ऐसे दोबारा वही सेम केस, ये आपका ए वेक्टर हो गया और ये आपका ई वेक्टर हो गया जो 60 डिग्री पर है, बराबर। वो आप कर लोगे, इसके आगे तो मेरी जरूरत नहीं लगती आपको, है ना। तो 5e ई ए कॉस थीटा, तो ई की वैल्यू 100 और ए की, अच्छा 100 और ए की वैल्यू कितनी है आपकी, ए की वैल्यू है 10⁻² और कॉस 60 दोबारा हो गया, कॉस 60 है ना। सो ये 100 × 10⁻² तो भाई 1 हो गया, फिर बात खत्म होगी। तो कॉस 60 क्या होती है, कॉस 60 आपकी होती है 1/2, जवाब हो गया 1/2 विच इज 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। यहाँ पर आपको डब्ल्यू बी यानी कि वेबर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ना, डब्ल्यू बी तो वेबर ही होता है, फ्लक्स का यूनिट वेबर, WB वेबर, ये भी एक यूनिट है, डरिए मत, ठीक है। उसके फॉर्मेट दिया लेकिन वैल्यू आपकी 0.5 है, बराबर गाइस, परफेक्ट है। चलो 58 क्वेश्चन हो गया आपका भी, बढ़िया, मजा आ गया देखकर। 59 क्या दे रहा है, 59 वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना, ठीक है। 59 वाला भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखें, मजा आएगा करने में। क्वेश्चन 59 ये कर लोगे आप, लेकिन मेरे को पता है कि आप कर लोगे। क्या दिया गया देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस एलिमेंट ds इज इक्वल टू फाई आएगा। ds मतलब एक छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा सरफेस एलिमेंट, छोटा सा एरिया ds आपको दिया हुआ है 5i कैप। देखो i कैप दिया हुआ है ना, इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में, x एक्सिस के डायरेक्शन में है ना, परफेक्ट। और प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड e, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी आप देखोगे वेक्टर फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। तो ds वेक्टर हो गया, यहाँ पर e वेक्टर क्या दिया हुआ है यहाँ पर फॉर्मेट भाई, 4i कैप + 4j कैप + 4k कैप। अच्छा, 4i कैप + 4j कैप + 4k कैप बराबर, ठीक है। हमें क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी है। तो बस ये देखकर हमें समझना क्या है कि भाई आपका जो एरिया वेक्टर है वो x एक्सिस के डायरेक्शन में, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है, पासिंग थ्रू सरफेस परपेंडिकुलर टू इट। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका परपेंडिकुलर होता है उस सरफेस के, तो वो एरिया वेक्टर के साथ होता है, क्योंकि एरिया वेक्टर ही परपेंडिकुलर है। दो चीजें परपेंडिकुलर मतलब वो एक ही साथ, एक ही डायरेक्शन में है ना, है ना। और आपका अगर एरिया अगर एक्स एक्सिस में जा रहा है तो उसके साथ जाने वाला कौन सा वैल्यू है, यहाँ पर एक्स एक्सिस में जाने वाला सिर्फ एक ही वैल्यू, और वो ये है जे और के का तो लेने की जरूरत नहीं है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके जे में जा रहा है, के में जा रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डायग्राम बना के समझाता हूं, देखो यहाँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये सरफेस एलिमेंट है, एलिमेंट कौन सा नहीं पता मेरे को, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। मान लो यहाँ पर एक मैं क्यूब रख दिया, मान, ठीक है, हमने क्यूब रख लिया मान लो, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड चारों डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है आपकी एक्स डायरेक्शन में भी, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है आपकी वाई डायरेक्शन में भी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जा रही है वाई डायरेक्शन में भी, और जेड डायरेक्शन, सब जगह जा रही है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, सब जगह जा रही है, ठीक है। लेकिन एलिमेंट हमने जो लिया हुआ है वो एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में है, डीएस वेक्टर आपका सिर्फ इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब इस डीएस वेक्टर से सिर्फ ये एक्स एक्सिस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें थीटा 0 बनता है, वाई डायरेक्शन वाली तो इस डीएस के साथ परपेंडिकुलर हो गया तो 0 हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये जेड एक्सिस वाला भी इस एरिया वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर हो गया तो वो भी हो जाता है 0। तो हमें कंसिडर क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये एक्स डायरेक्शन वाला कंसिडर करना है, बस ये समझाना था मुझे आपको, बाकी तो बहुत इजी है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अगेन दोबारा E A cos थीटा, ठीक है, E cos थीटा। E की वैल्यू दी गई है क्या है भाई, 4 है, ठीक है, इनटू A की वैल्यू क्या दी है, 5 है, ठीक है। और cos थीटा क्या है, cos थीटा तो cos 0 हो गए ना, cos 0 है तो वैल्यू क्या होगी 20 यूनिट्स। यूनिट्स क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई वैल्यू नहीं दी गई थी, यूनिट नहीं दी गई थी, जवाब में यूनिट्स ही होगा, हाँ यूनिट्स ही है, 20 यूनिट्स हो गया। मजा आया, मुझे तो बड़ा मजा आता है भाई सवालों में। चलो अब 60th क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 करके देखते हैं क्या जवाब आता है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन 60 क्या सवाल है, अ स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L, ठीक है। अच्छा साइड यहाँ पर L है, साइड यहाँ पर L है, बना देते हैं, ये साइड सारे L है, स्क्वायर है ना तो सब जगह L है, ठीक है। मीटर्स इज इन द प्लेन ऑफ पेपर, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ पेपर। इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है कि भाई वो पैरेलल जा रही है आपके, मतलब घिसते हुए जा रही है, हमें ऑलरेडी समझ में आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स 0 हो जाना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड छूते हुए जा रही है, परपेंडिकुलर नहीं जा रही एरिया से, है ना, मतलब प्लेन सरफेस से। हाँ, इज लिमिटेड ओनली टू द लोअर हाफ ऑफ द सरफेस, द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स इन एसआई यूनिट्स एसोसिएटेड विद द सरफेसेस ऑफ कोर्स बी 0 हो गया जवाब, है ना, बिकॉज इट इज रबिंग अगेंस्ट इट ना, इट्स नॉट परपेंडिकुलर। बी इज आपका जवाब यहाँ पर होगा 0, ऑप्शन बी होगा 0 होगा, वाई बिकॉज सिंस ई वेक्टर ए वेक्टर थीटा 90 डिग्रीज है ना, इससे अगर मैं निकालूंगा ए वेक्टर तो ए वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर आएगी, परपेंडिकुलर हो गया और ई वेक्टर के साथ फिर वो 90 डिग्री बनाएगा, खत्म, ये भी हो गया, परफेक्ट है गाइस, कितना इजी हो गया देखो, मजा आ गया आपको फिर। चलो ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और ये सवाल भी कर लेते हैं, ये हमारा ये तो हम अभी देख रहे हो आप CBSE AIPMT 2011 का सवाल है, CBSE का भी AIPMT, तो पहले तो CBSE संभालती थी ना, NTA नहीं संभालती थी, तो CBSE AIPMT 2011 का सवाल है। क्या सवाल है देख लेते हैं, अ स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर, सेम तरीके में दिया हुआ है, ऑफ द पेपर इज लोकेटेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, E दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड से डायगोनल जा रही है, ठीक है, एक्टिंग अलॉन्ग द सेम प्लेन एंगल थीटा, द हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ द स्क्वायर इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनटू द सरफेस, ठीक है भाई, सिंपल ही बात है। तो एरिया वेक्टर ऐसे आएगी, एरिया वेक्टर ऐसे आएगी, और ये किस एंगल पे है, ये 60 डिग्रीज पर है, नहीं थीटा पे है ना, हाँ तो फिर ये भी बात होगी ना बेटा, ये तो वही बात होगी। अगर मैं इस सरफेस का परपेंडिकुलर निकालूंगा, अगर मैं इस सरफेस का परपेंडिकुलर निकालूंगा फ्लक्स किसका निकालना पहले देखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक टू द सरफेस इन यूनिट ऑफ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात हो जाएगी ना, यहाँ पर अगर मेरा फाई का फॉर्मुला लगाता हूँ मैं तो मेरा बन जाता है ई ए कॉस थीटा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, ए क्या यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर का हो जाता है एल स्क्वायर। थीटा यहाँ पर कितनी दी है भाई, थीटा पता नहीं कितनी है, थीटा मुझे पता नहीं कितनी है ना, थीटा की वैल्यू नहीं दी गई है। तो फॉर्मुला क्या बन जाता है हमारी, ई एल स्क्वायर कॉस थीटा बन जाता है, तो ऑप्शन बी बन जाती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल नहीं है, घिसते हुए नहीं जा रही है, जैसे पिछले सवाल में था डायगोनल जा रही है, तो कोई ना कोई एंगल बना रही है वो, किसके साथ, आपके एरिया के साथ। बढ़िया, फिर भी मैं थोड़ा सा देख रहा हूं, एक सेकेंड यार, इट इज स्टिल एक्टिंग अलॉन्ग द सेम प्लेन एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ द स्क्वायर एज शोन इन द फिगर, बट फिर भी यार इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही जा रही है, एरिया तो फिर भी ऐसे 90 डिग्री पे निकलेगा ना। मैं वही सोच रहा हूँ कि यहाँ पर जीरो होना चाहिए जवाब, है ना, जीरो होना चाहिए भाई। कितना अच्छा सवाल है, देखो इसलिए ये पीएमटी में है ना, क्योंकि यार आप देखोगे भाई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड माने ऐसे जा रही है, जाने दीजिए कोई बात नहीं भाई, लेकिन तब भी वो फिर वो प्लेन में ही है ना, उसी प्लेन में जिस जहाँ पर सरफेस है उसी प्लेन में, लेकिन आप जब एरिया वेक्टर निकालो तो एरिया वेक्टर तो सामने की तरफ ऐसे आएगी, मतलब इस प्लेन में आपका, इस प्लेन में आपका ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर ऐसे निकल रही है, तो परपेंडिकुलर हो गया ना आपका, आपका परपेंडिकुलर हो गया आपका एरिया वेक्टर, करेक्ट है। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, क्या फर्क पड़ता है, वो सारे डायरेक्शंस में आपके एरिया वेक्टर से 90 डिग्री बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस प्लेन में किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हो फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर बी नहीं डी होनी चाहिए, जीरो। मजा आया ना, कितना कंफ्यूज करता हूँ ना आपको मैं, थैंक्स यार, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ऑफ कोर्स ही बात है। अब हमारे पास आखिरी टॉपिक होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 3D सरफेस क्या होगा, चलो कर लेते हैं, एक सिंपल सा टॉपिक है, अच्छे से करेंगे, बढ़िया से करेंगे और आप समझ जाओगे एक ही बार में। मुझे पता है भाई बहुत ईजी टॉपिक है ना, इसलिए क्योंकि हमने पहले कॉन्सेप्ट सीख लिया था, क्या कॉन्सेप्ट सीखा था आपका, जब एक क्लोज सरफेस होता है यानी कि 3D सरफेस होता है, 3D सरफेस में जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है वो हमेशा आउटवर्ड होता है, बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, बाकी तो फिर सिंपल सी बात है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक प्यारा सा क्यूब बना दूँ, ठीक है, हे भगवान कभी कभी क्यूब बनाने में ना जिंदगी निकल जाती है। क्यूब बना दिया हमने प्यारा सा, प्यारा तो नहीं लग रहा सर, क्यूब तो है, चलो ठीक है बना दिया क्यूब। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू आउट ऑल द सरफेस करते हैं, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन जा रही है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, परफेक्ट है, ठीक है। तो अब हम ये सरफेस 1, ये सरफेस 2 दाएं बाएं वाला, सरफेस 3, सरफेस 4 ऊपर नीचे वाला, सरफेस 5, सरफेस 6 सामने पीछे वाला, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर दी फर्स्ट सरफेस, ठीक है, फर्स्ट सरफेस क्या होगा बेटा, फर्स्ट सरफेस ऐसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, ठीक है। तो आपका जो एरिया वेक्टर है वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में होगा, तो एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, अंदर की तरफ नहीं होगा। तो इस पहले सरफेस के लिए वो इस तरफ जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है, ठीक है। सो व्हाट इज द थीटा देन, थीटा बिकम्स 180 डिग्री, क्योंकि ए वेक्टर इस डायरेक्शन में, ई वेक्टर उस डायरेक्शन में, पैरेलल है 180 डिग्री। सो योर आंसर कम्स आउट टू बी ई ए कॉस 180, विच इज बेसिकली इक्वल टू माइनस ई ए, खत्म। सेकेंड 5 ई, सेकेंड वाले के लिए, सेकेंड सरफेस कौन सा लिया हमने, ये वाला लिया। सेकेंड सरफेस के लिए ए वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा बाहर की तरफ, इस डायरेक्शन में होगा बाहर की तरफ ए वेक्टर, तो ये वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। सो थीटा कितनी है भाई, थीटा यहाँ पर 0 डिग्री है। सो आंसर जवाब हो जाएगा ई ए कॉस 0, तो ये थर्ड 5e, ठीक है। थर्ड सरफेस आप देखोगे एरिया वेक्टर फिर ऊपर के डायरेक्शन में होगा, एरिया वेक्टर ऊपर के डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो 90 डिग्री हो गई, तो 5e 0 हो गया, ठीक है। और फोर्थ वाले के लिए, फोर्थ वाले भी आपका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो परपेंडिकुलर हो गया, तो 5e 0 हो गया। पांचवे और सिक्स्थ वाले के लिए भी सेम केस होगा, अगर आप देखोगे पांचवा z प्लेन में है, सिक्स्थ भी z प्लेन में है, z प्लेन में जो एरिया वेक्टर्स होंगे वो x प्लेन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर होगा, है ना, तो दोनों अगेन 0 हो गए, बढ़िया है। तो अगर मैं अभी टोटल फ्लक्स का ऐड करूंगा, मैं अगर मैं टोटल फ्लक्स निकालूंगा, टोटल फ्लक्स बोलो आप, या तो आप इसको नेट फ्लक्स बोलो, जो बोलना है बोलिए, आपकी मर्जी है। तो क्या आएगा भाई, समेशन होगा सबका ना, 5 1 प्लस 5 2 प्लस 53 प्लस 54 प्लस 55 प्लस 56, 6 निकाल दिया हमने। ठीक है, 51 कितना है आपका? माइनस ही है। 52 कितना आपका? प्लस ही है। 53 आपका 0, 540, 550, 560, माइनस ये प्लस ये भी कट गया तो 0। जवाब कितना हो गया? नेट फ्लक्स 0। दैट्स इट गाइस। हर एक 3D सरफेस के लिए इसको नोट डाउन कर लिया। ठीक है, मैं यहाँ पर क्यूबॉइड बना दूं तो सेम से आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक क्यूबॉइड बना दूं तब भी सेम वैल्यू आएगी। तो आपको बस यहाँ पर ये नोट डाउन करना है, फॉर एवरी 3D सरफेस 3D और क्लोज सरफेस, नेट फ्लक्स इज 0। नेट फ्लक्स इज 0 kept at the origin। ठीक, क्या लिखना आपको? प्लस 0 kept at the origin। ओरिजिन पे अगर कीप ना किया जाए तो शायद चीजें बदल सकती हैं। वो अगेन हम सीखेंगे हमारे गॉस लॉ के कॉन्सेप्ट में, चीजें थोड़ी सी बदल सकती है, अभी नहीं। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट जो है यहां पर, इसलिए भी 0 है क्योंकि इस क्यूब के अंदर कोई चार्ज नहीं है। अगर मान लो क्यूब के अंदर एक चार्ज छुपा होता तो उस चार्ज में से फील्ड निकलती, तो अपना फील्ड निकलता, तो उसका तो फ्लक्स मानना पड़ता ना आपको, क्योंकि वो किसी ना किसी, वो हर साइड में से परपेंडिकुलर निकालता ही निकालता। समझ रहे हो बात को? इसके अंदर अगर एक चार्ज होता तो वो, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड जाता है, इनफिनाइट लाइंस होती है, तो वो सारे सरफेस में कहीं ना कहीं से परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट जरूर निकलता उसका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होता तब, है ना। तो इसी वजह से क्लोज सरफेस में तभी होगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 अगर अंदर कोई चार्ज ना भी हो तो। ठीक है, केप्ट एट द ओरिजिन एंड नो चार्ज इनसाइड इट। बस ये नोट है जो आपको नोट डाउन कर लेना। तो इसी बात में गाइस आपका जो होमवर्क आज का है वो वही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1.14 का। अब मैंने भी वही कॉन्सेप्ट किया हुआ है, आप करके बताना अभी। What is the net flux of the uniform electric field of exercise 1.14 through a cube of side 20 cm? अभी क्यूब में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा आप बताइएगा मुझे इन दी कमेंट सेक्शन। जो बच्चे सबसे पहले जवाब देते हैं, टॉप 5 बच्चों का नाम मैं नेक्स्ट सेशन में यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाऊंगा। हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो होने वाला इलेक्ट्रिक डाइपोल पर, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल से बहुत सवाल आते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। उसके बाद देन विल जंप इन टू दी गॉस सरफेस वाला लॉ। आई एम होपिंग कि आपको अच्छा लगा हो आज का ये सेशन। मैंने बहुत इन डेप्थ पढ़ाया है, सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया, बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं। अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना जरूर चैनल के लिए। इस चैनल पे 11th और 12th के दोनों क्लासेस के सेशंस हो रहे हैं, पूरी नीट की पढ़ाई हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइस। अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। एंजॉय योर लाइफ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। थैंक्स।